हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस के बारे में पढ़ लिया था। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ लिया था बच्चों? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, यहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन में आगे की रिएक्शन को देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पर आपका रिएक्शन है रिएक्शन विद एसिड एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेता है जब ये एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, जैसे मैं यहां पर बात करूं अमाइन के लिए, तो अमाइन में क्या होगा, जैसे RNH2 ने अगर HCl के साथ रिएक्शन किया तो यहां पर क्या बना लेगा, RNH2HCl, या फिर हम इसको लिख सकते हैं RNH3+Cl-। नाउ अब क्या होगा बच्चों, यहां पर जैसे ही मैंने इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करवा दिया, किसके साथ करवा दिया, NaOH के साथ, मतलब बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराया, तो ये आपका डिसोसिएट होकर फिर से आपका क्या बना देगा, 1° अमाइन। मतलब जो आपका यहां पर कौन सा था बच्चों, आपका प्राइमरी अमाइन था ना, तो प्राइमरी अमाइन को प्राइमरी अमाइन बना देगा। थोड़ा सा ध्यान से समझना, तो यहां पर आपका NaCl और यहां पर आपका क्या बना देगा बच्चों, H2O। ठीक है, काफी इजी है रिएक्शन। और भी हम इसमें रिएक्शन देख सकते हैं, जैसे मैंने यहां पर RNH, इसकी रिएक्शन मैंने HNO3 के साथ करा दिया, तो अब आपका यहां पर क्या बनेगा, यहां पर हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, RRNH2+NO3-। नाउ आगे अगर मैंने इसकी रिएक्शन हाइड्रोलाइसिस करा दिया KOH के साथ, ये वाला स्टेप आपका अलग है, सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। देखो यहां पर आपका क्या बना लिया इसने, सॉल्ट बना लिया, यहां पर आपका क्या बना लिया, सॉल्ट बना लिया। क्यों? क्योंकि ये अपना लोन पेयर इसको देगा, ये अपना लोन पेयर इसको देगा, तो यहां पर भी आपका क्या बना लिया बच्चों, यहां पर सॉल्ट बना लिया। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इसका हाइड्रोलाइसिस कराया, तो हाइड्रोलाइसिस कराने पर RRNH और यहां पर क्या बन जाएगा, KNO3 और साथ में आपका H2O बन जाएगा। ठीक है, वापस से हम इसको ऑप्टेन कर सकते हैं, जैसे मैंने यहां पर सॉल्ट बना, उसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो वापस से ऑप्टेन कर सकते हैं। तो प्राइमरी अमाइन को भी ऑप्टेन कर सकते हैं बेटा, प्राइमरी यहां पर क्या हो जाएगा, सेकेंडरी अमाइन। इस तरीके से हम इसका प्रिपरेशन मेथड भी देख सकते हैं बच्चों, काफी इजी रिएक्शन है। नाउ अगर मैंने इसकी रिएक्शन, देखो एक और मैं बताता हूं, अगर मैंने इसकी रिएक्शन R3N की रिएक्शन अगर मैंने HCl के साथ कराया, फिर से आपका क्या बना लेगा बच्चों, सोल्ट, जो मैंने आपको बताया हुआ है। अब यहां पर आपका क्या बना लेगा, +HCl-, ये आपका क्या बना लिया बच्चों, यहां पर इसने सोल्ट का फॉर्मेशन कर लिया। नाउ इसकी रिएक्शन अगर मैं आप बच्चों KOH के साथ करूंगा, किसके साथ, KOH के साथ, तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर R3N और यहां पर KCl और H2O बन जाएगा। वापस से मैंने यहां पर क्या ऑप्टेन कर लिया बच्चों, सोल्ट का, जब भी मैं हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो आपका टर्शियरी अमाइन भी बन जाएगा। देखो टर्शियरी अमाइन निकाल लिया बच्चों मैंने। नाउ इसके और भी रिएक्शन देखते हैं, जैसे देखो फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, हाँ, तो फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट में बच्चों एक और मैं आपको बताता हूं यहां पर, कि अगर मैंने अमाइन का रिएक्शन AuCl4, इसका नाम क्या होगा, टेट्राक्लोरोऑरिक एसिड, इसका नाम क्या होगा, टेट्राक्लोरोऑरिक एसिड। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, टेट्राक्लोरोऑरिक एसिड के साथ, जब भी इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये आपका इस तरीके का कंपाउंड बना लेगा बच्चों, HAUCl4। तो यहां पर ये क्या बना लेगा बच्चों, इसको हम बोलते हैं डबल सॉल्ट। इसके बारे में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों, पूरा चैप्टर ही आपका इसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अगर मैंने इसकी रिएक्शन अगर मैंने बच्चों यहां पर हेक्साक्लोरोप्लैटिनिक एसिड, इसका नाम क्या होगा, हेक्साक्लोरोप्लैटिनिक एसिड के साथ करवाया, तो यहां पर क्या बन जाएगा, RNH2H2PtCl6, यहां पर भी आपका क्या बना लेगा बच्चों, ये आपका डबल सोल्ट। इस तरीके से यहां पर आपका सोल्ट का रिएक्शन भी आपका शो करता है बच्चों, यहां पर ये आपका सोल्ट का भी फॉर्मेशन करेगा। इस तरीके से हम इस रिएक्शन को
डील कर सकते हैं बच्चों। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन पे। नेक्स्ट रिएक्शन पे आपको मैं और भी इसमें से कॉम्प्लिकेटेड बातें बताऊंगा बच्चों। तो नेक्स्ट रिएक्शन आप इसको नोट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करके। नाउ मैं आप चलता हूँ बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन पे। तो बच्चों अब हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट रिएक्शन। तो नेक्स्ट रिएक्शन आपका क्या होगा समझते ध्यान से। तो आपका नेक्स्ट रिएक्शन यहाँ पर क्या होगा, काफी अच्छे अच्छे रिएक्शन है बच्चों। अगर थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो आपको आई होप कि काफी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो नेक्स्ट रिएक्शन के लिए मैं बात करता हूँ यहाँ पर देखो, सेपरेशन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन। अब बात को ध्यान से समझना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां पर करेंगे क्या, वो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले हम यहां पर बच्चों ध्यान से समझेंगे, 1 डिग्री अमाइन का सॉल्ट या फिर 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन, इन सब का मैं सॉल्ट लूंगा। मैंने क्या ले लिया बच्चों, सॉल्ट ले लिया। और साथ में मैं यहां पर क्वाटरनरी अमाइन का भी सॉल्ट मैंने ले लिया, ठीक है, क्वाटरनरी अमाइन का भी सॉल्ट ले लिया। जैसे ही मैं इसको पास करूंगा डिस्टिल्ड KOH पे, तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट कैन नॉट रिएक्ट विद डिस्टिल्ड KOH। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां पर ये इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो ये हमारा क्या होगा, नॉन वॉलेटाइल होता है बच्चों। ये आपका क्या होता है बच्चों, नॉन वॉलेटाइल। तो ये आपको नॉन वॉलेटाइल होता है, तो ये आपको कहां मिल जाएगा बच्चों, सॉल्यूशन के अंदर ही बचा रह जाएगा। नाउ नेक्स्ट अब आपका क्या होगा बच्चों, यहां पर आपका रिमेनिंग आपको क्या मिल जाएगा, यहां पर 1 डिग्री अमाइन। ये देखो ये आपका सोल्ट KOH के साथ, अभी भी बताया ना, सोल्ट आपका KOH के साथ रिएक्ट करेगा तो अमाइन बना लेगा। तो यहां से आपको 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और यहां पर आपको 3 डिग्री अमाइन मिल जाएगा। तो ये काफी अच्छा रिएक्शन है, काफी अच्छा रिएक्शन है, काफी इजी है। नाउ अभी ये आपका खत्म नहीं हुआ है बच्चों, अभी ये स्टार्ट हुआ है। अभी इसको ध्यान से समझो, काफी अच्छा रिएक्शन है। देखो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। नाउ अब क्या होगा बच्चों, यहां पर इसको सेपरेट करने के लिए दो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं। क्या होते हैं, दो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स। सबसे पहला हम यहां पर बोल सकते हैं 1 डिग्री अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 17 डिग्री सेल्सियस। 2 डिग्री अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 65 डिग्री सेल्सियस। और 3 डिग्री अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 95 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेट। जब ये आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा तो इसको मैं कैसे ऑब्टेन करूंगा, जब आपका डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है तो बच्चों हम इसको किस तरीके से निकालते हैं, काफी इजी है। इसको हम कैसे निकालेंगे बच्चों, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। किससे निकालेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक से। डिस्टिलेशन टेक्निक यहां पर क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक। तो उससे हम यहां पर इसको ऑब्टेन कर लेंगे, काफी इजी है। नाउ अब अगर बच्चों यहां पर हमको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक मुझे यूज नहीं करना है तो मैं क्या करूंगा, तो उसका सबसे सिंपल है, तो यहां पर मैं हॉफमैन मेथड का यूज कर लूंगा। कौन से मेथड का यूज कर लूंगा बच्चों, हॉफमैन मेथड का। अब हॉफमैन मेथड आपका होता क्या है, हॉफमैन मेथड आपका होता क्या है, हॉफमैन मेथड में क्या होगा बच्चों, यहां पर ध्यान से समझना बच्चों। इसके बाद एक और मेथड है वो भी आपको मैं बताऊंगा, हॉफमैन मेथड आपका होगा क्या। तो हॉफमैन मेथड में आप यहां पर डाईथाइल ऑक्सलेट के साथ रिएक्शन कराओगे, किसके साथ कराओगे, डाईथाइल ऑक्सलेट के साथ। तो यहां पर अगर मैंने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन के रिएक्शन अगर मैंने डाईथाइल ऑक्सलेट के साथ कराया, डाईथाइल ऑक्सलेट, अभी मैं रिएक्शन दिखाऊंगा बच्चों, डाईथाइल ऑक्सलेट के साथ कराया, अगर मैंने किसका 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का डाईथाइल ऑक्सलेट के साथ मैंने जब यहां पर रिएक्शन कराया, तो आपका क्या बनेगा बच्चों, तो आपको यहां पर क्या बनेगा, थोड़ा सा ध्यान से समझो। जब मैंने डाईथाइल ऑक्सलेट के साथ कराया तो 3 डिग्री, तो आपका रिएक्शन 3 डिग्री कैन नॉट गिव रिएक्शन, 3 डिग्री आपका रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है बच्चों। फिर आपका 1 डिग्री आपका रिएक्शन देगा, 1 डिग्री अमाइन आपका क्या देगा बच्चों, रिएक्शन देगा। और यहां पर 2 डिग्री अमाइन भी आपका क्या देगा बच्चों, रिएक्शन को देगा।
आई होप सो कि आपको समझ में आ जाएगा, 1 डिग्री 2 डिग्री अमाइन आपका रिएक्शन को देगा। तो किस तरीके से रिएक्शन को देगा हम समझते हैं बच्चों, यहाँ पर काफी इजी है, अगर एक दो बार समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पर हॉफमैन मेथड में आपका क्या होगा देख लेते बच्चों। देखो अब देखो, हॉफमैन मेथड में 1 डिग्री अमाइन रिएक्ट विद किससे बच्चों, डाई इथाइल ऑक्सलेट, डाई इथाइल ऑक्सलेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्या ऑप्टेन होगा। देखो 1 डिग्री अमाइन मतलब आर टू एन एच की रिएक्शन अगर मैंने सी ओ ओ सी टू एच फाइव के साथ, यहां पर सी ओ ओ सी टू एच फाइव के साथ कराया तो यहां पर क्या होगा बच्चों, ये अब सिंपल इसको हम बोल सकते हैं यहां पर ये आपका किसे बनाएगा, सी ओ एन एच आर, यहां पर भी क्या बनाएगा, सी ओ एन एच आर। ठीक है तो हम क्या बोलेंगे बच्चों इसको, इसको हम अभी क्या बोलेंगे थोड़ा सा सोच के बताओ बच्चों आप लोग। ठीक है इसको हम क्या बोलेंगे, एन अल्काइल, एन अल्काइल, एन अल्काइल ऑक्सामाइड, क्या बन जाएगा बच्चों, एन अल्काइल ऑक्सामाइड। ठीक है अगर मैं बात करूं यहां पर 2 डिग्री अमाइन की रिएक्शन, अगर मैंने 2 डिग्री अमाइन की रिएक्शन डाई इथाइल ईथर के साथ करा दिया, डाई इथाइल ऑक्सलेट के साथ करा दिया तो आपका यहां पर क्या बन जाएगा, आ देखो सी ओ ओ सी टू एच फाइव, सी ओ ओ सी टू एच फाइव इसके साथ जब मैंने रिएक्शन करा दिया तो यहां पर ये आपका बना लेगा आर आर डबल डैश। अब देखो यहां पर क्या होगा बच्चों, ये आपका यहां से चला जाएगा तो यहां पर आपका क्या बनेगा, सी ओ एन आर डे आर डैश आर और यहां पर सी ओ ओ सी टू एच फाइव, तो क्या बोलेंगे, एन एन डाई अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बन जाएगा, सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बन जाएगा बच्चों यहां पर। तो यहां पर इतना सा अंतर है कि और आपका 3 डिग्री अमाइन, जहां पर ध्यान देना बच्चों इसी को हम क्या बोलेंगे हॉफमैन मेथड, 3 डिग्री अमाइन जब आपका डाई इथाइल ऑक्सलेट के साथ रिएक्शन करता है, डाई इथाइल ऑक्सलेट के साथ रिएक्शन करता है तो आपका क्या होगा बच्चों, यहां पर रिएक्शन आपका प्रोग्रेस नहीं होगा। ठीक है आपका रिएक्शन यहां पर प्रोग्रेस नहीं होगा, तो थोड़ा इस तरीके से आपका रिएक्शन होता है बच्चों यहां पर, थोड़ा सा इसको नोट डाउन करो तो मैं इसके बारे में और बताता हूँ। तो बच्चों यहां पर हमारा मतलब आपका क्या हो गया खत्म, आपका यहां पर आपका हॉफमैन मेथड खत्म हो गया। अब एक और मेथड होता है बच्चों हिंजबर्ग रिएजेंट। ठीक है अब देखो हिंजबर्ग रिएजेंट क्या होता है बच्चों, हिंजबर्ग रिएजेंट आपका होता क्या है थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे देख लेते बच्चों, हिंजबर्ग रिएजेंट आपका होता क्या है। देखो यहां पर अगर मैंने बात किया यहां पर हिंजबर्ग रिएजेंट, हिंजबर्ग रिएजेंट सबसे पहले ध्यान से समझना बच्चों, हिंजबर्ग रिएजेंट में क्या होगा बच्चों आपका C6H5SO2Cl, मतलब क्या होता है बच्चों ये आपका कुछ इस तरीके से होता है हिंजबर्ग रिएजेंट। ठीक है अब देखो हिंजबर्ग रिएजेंट और इसको टेस्ट भी बोलेंगे बच्चों ध्यान से समझना, 1 डिग्री अमाइन जब भी आपका हिंजबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा, हिंजबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा तो आपका क्या बना लेगा बच्चों, देखो 1 डिग्री अमाइन में आर एन एच टू, जब भी आपका सी सिक्स एच फाइव एस ओ टू सी एल के साथ रिएक्शन करेगा तो सी एल को रिप्लेस करेगा और एक एच के साथ निकल जाएगा, यहां से सी एल यहां से एक एच तो दोनों को जोड़ दो, जब आपका एच सी एल मॉलिक्यूल का लॉस करना है तो यहां पर सी सिक्स एच फाइव एस ओ ओ एन एच आर। ठीक है अब हम इसको क्या बोलेंगे, एन अल्काइल सल्फामाइड, एन अल्काइल सल्फामाइड कंपाउंड, एन अल्काइल सल्फामाइड कंपाउंड बना लेगा। नाउ फर्दर जब मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा, नाउ फर्दर जब मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा मतलब यहां पर KOH के साथ रिएक्शन कराऊंगा अगर, तो KOH क्या करेगा बच्चों, यहां पर जो आपका एसिडिक हाइड्रोजन है, यहां पर आपका क्या बच्चों एसिडिक हाइड्रोजन है, इसको ट्रैप कर लेगा, जब ये इस एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप कर लेगा तो यहां पर क्या जाएगा एन के आर, इस टाइप का आपका रिएक्शन हो जाएगा और यहां से आपका H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा।
तो ये तो आपका था यहां पर इस तरीके से कंपाउंड, और ये जब ये इसके साथ होगा तो यहां पर क्या बना लेगा बच्चों, सोल्यूबल कंपाउंड, सोल्यूबल कंपाउंड बना लेगा। ठीक है, जब इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे यहां पर जो कंपाउंड बनेगा वो KOH में सोल्यूबल होगा। ठीक है, नाउ अगर मैंने बात किया यहां पर 2 डिग्री अमाइन के बारे में, तो 2 डिग्री अमाइन के केस में हिंसबर्ग अगर रिएजेंट मैंने लिया तो आपका क्या होगा बच्चों, अगर मैंने हिंसबर्ग रिएजेंट लिया 2 डिग्री अमाइन के केस में तो आपका क्या होगा, देखो R R डैश N H, यहां पर PH S O 2 Cl। नाउ इसकी रिएक्शन अगर मैंने HCl के साथ कराया तो आपका क्या बनेगा, PH S O O, यहां पर आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहां पर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर आपका N R R डैश मतलब एन एन डाई एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बनाएगा, डाई एल्काइल सल्फामाइड, सल्फामाइड कंपाउंड बनाएगा। अब देखो एन एन डाई एल्काइल सल्फामाइड कंपाउंड बनाएगा, तो अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो यहां पर ये आपका यहां पर इनसोल्यूबल, इनसोल्यूबल हो जाएगा। अब जब ये आपका इनसोल्यूबल हो जाएगा, और अगर मैं बात करूं टर्शियरी के केस में, तो टर्शरी के केस में स्टार्ट वाली रिएक्शन ही नहीं होगी ना बच्चों, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन नहीं है। तो अगर मैं बात करूं इन द केस ऑफ टर्शरी अमाइन, ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इन द केस ऑफ टर्शरी अमाइन, तो आपकी ये वाली रिएक्शन प्रोग्रेस ही नहीं होगी। देखो अब यहां पर इन द केस ऑफ टर्शरी अमाइन रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड, आपकी रिएक्शन नहीं होगी, सिंपल बात है। अब बात को ध्यान से समझना, ये जो आपका सोल्यूबल होगा ये आपके टेस्ट ट्यूब में कौन सा लेयर पे होगा बच्चों, अपर लेयर पे, नहीं नहीं ये आपका लोअर लेयर पे होगा, तो लोअर लेयर से हम इसको अलग कर लेंगे। ठीक है, ये आपका लोअर लेयर पे होगा और ये आपका कौन से लेयर पे होगा बच्चों, अपर लेयर पे। ठीक है, देन फर्दर जब मैं इसकी रिएक्शन HCl के साथ कराऊंगा, HCl के साथ कराऊंगा, तो आपका क्या ऑप्टेन हो जाएगा, यहां पर आपका 1 डिग्री अमाइन ऑप्टेन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं अपर लेयर को सेपरेट करके अगर मैंने इसकी रिएक्शन अगर HCl के साथ H2O के प्रेजेंस में कराया, यहां पर भी HCl और H2O के प्रेजेंस में करवाया, तो यहां पर मुझे क्या ऑप्टेन हो जाएगा बच्चों, अमाइन। ठीक है, यहां पर हमको प्राइमरी अमाइन ऑप्टेन हो गया और यहां पर हमको सेकेंडरी अमाइन ऑप्टेन हो गया। तो इस तरीके से हम प्राइमरी अमाइन और सेकेंडरी अमाइन में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। काफी इजी रिएक्शन है बच्चों, एक दो बार ध्यान से समझोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये टेस्ट आपको हर साल पूछता है, एवरी ईयर ये आपका क्वेश्चन जरूर उठ के आता है बच्चों। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को, इस थियोरी को एक बार अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो, ताकि आपको अच्छे से अच्छा क्वेश्चन आपसे जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। ठीक है बच्चों, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बच्चों, नेक्स्ट वो नेक्स्ट रिएक्शन को अब हम देखते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट रिएक्शन को समझते हैं एक एक करके ध्यान से, कि किस तरीके से हमको अगला रिएक्शन हमारा क्या होगा अमाइन में। काफी अच्छे अच्छे रिएक्शन है बच्चों इसमें, तो एक और मैं रिएक्शन आपको बताता हूँ, कार्बिलामीन रिएक्शन, कार्बिलामाइन रिएक्शन बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट और अक्सर पूछा जाने वाला टेस्ट है बच्चों ये। ठीक है, तो कार्बिलामाइन रिएक्शन या फिर इसको हम टेस्ट भी बोल सकते हैं, कार्बिलामाइन टेस्ट, जो कि आपका केवल और केवल 1 डिग्री अमाइन देगा, जो कि आपका केवल और केवल 1 डिग्री अमाइन और एनिलीन। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा, तो एक एक करके सबसे पहले समझते हैं। देखो ये आपका RNH2, ठीक है, RNH2 की रिएक्शन अगर मैंने CHCl3 और KOH के प्रेजेंस में अगर मैंने रिएक्शन करा दिया तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा उसको हम बाद में समझेंगे, सबसे पहले आप मैकेनिज्म को समझो। अब देखो ये आपका बेसिक मीडिया है और ये आपका HCCLCLCL, अगर किसी को रायमन टिमान रिएक्शन याद होगा तो वो इसका इंटरमीडिएट मुझे फट से बता देगा। इसका इंटरमीडिएट हमारा क्या होगा बच्चों, कार्बीन, मतलब ये माइनस है, ये एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप करेगा और यहां पर क्या बन जाएगा, CCl2, यहां पर आपका कार्बीन बन गया। अब ये आपका क्या हो गया बच्चों, कार्बीन। अब यहां पर जब आपका कार्बीन बन गया है तो नाउ नेक्स्ट रिएक्शन में आपका क्या होगा, यहां पर H2O निकलेगा
और साथ में आपका केसीएल निकलेगा। अब ये कार्बन किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगा बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। जब यहाँ पर कार्बन अब आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर सी सी एल टू, ये लोन पे होता है, इसके पास न्यूक्लियोफाइल और ये आपका इलेक्ट्रोफाइल। ये अब यहां जाएगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो आपका क्या बनेगा, एन। ध्यान से समझना बच्चों, अब बहुत ही जल्दी आपका रिएक्शन समझ में आ जाएगा, आपको काफी इजी रिएक्शन है, ठीक है। तो यहां पर आपका प्लस साइन, यहां पर आपका सी माइनस सी एल सी एल, ठीक है। अब क्या होगा अगले स्टेप में, ओ एच माइनस इस हाइड्रोजन को ट्रैप कर लेगा वापस के ओ एच का, ओ एच माइनस इस हाइड्रोजन को फिर से ट्रैप कर लेगा, तो यहां पर क्या बना लेगा, एन एच सी सी एल सी एल, ये आपका बना लिया, काफी अच्छा कंपाउंड है। नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में आपका यहाँ पर जब ये आपको यहां से निकलेगा तो यहां पर आपका क्या होगा बच्चों, ये लोन पेयर है, ये यहां बॉन्ड देगा और ये आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ये यहां से आपका बाहर निकल जाएगा। तो यहां पर आपका क्या बन जाएगा बच्चों, ध्यान से समझना, आर एन डबल बॉन्ड सी और यहां पर सी एल, फिर आपका यहां पर माइनस, फिर यहां पर एच, फिर यहां पर आपका प्लस। अब फिर से ये क्या करेगा, इस बेस सी बेस इस एसिडिक हाइड्रोजन को फिर से ट्रैप कर लेगा, तो यहां पर एन के पास लोन पेयर आ जाएगा और यहां पर सी माइनस और यहां पर सी एल, फिर ये आपको इधर देगा तो ये आपका यहां चला जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, आर एन यहां पर आपका प्लस साइन और यहां पर आपका सी एल माइनस, और एन प्लस और सी एल माइनस में क्या लिख सकता हूं, आर सॉरी यहां पर सी सी आ जाएगा, सी एल बाहर निकल जाएगा, तो यहां पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के साथ ये बन जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल ग्रुप, आइसोनाइट्राइल ग्रुप होगा बच्चों, आइसोसाइनाइड। और इसका स्मेल क्या होता है बच्चों, काफी बैड स्मेल होता है, मतलब फाउल स्मेल के साथ होता है, फाउल स्मेल होगा बच्चों इसका, इसका स्मेल कैसा होगा, फाउल स्मेल। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कार्बिलामिन टेस्ट, सेम एज रायमंटिमान। तो कितने मोल ऑफ KOH काम में आए, एक मोल, दो मोल, तीन मोल, इसी तरीके से आप रायमंटिमान में देख सकते हो, उसमें भी कितने मोल ऑफ KOH काम में आते हैं बच्चों, 3 mole of KOH। तो आपका यहां पर आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, ये आइसोसाइनाइड ग्रुप में। केवल और केवल यहां पर ध्यान देना, दिस रिएक्शन विल बी शोन बाय, दिस रिएक्शन विल बी शोन बाय एनिलीन एंड 1 degree amine, 2 degree amine कैन नॉट शो दिस रिएक्शन। वाई सबसे इंपॉर्टेंट, तो यहां पर एक एच होगा, अब यहां से एक एच KOH आपका कितने मोल काम में आएगा, 2 mole, और 2 mole में कभी ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट नहीं होगी, 2 mole में होगा तो यहां से एक Cl निकलेगा बच्चों। अगर आपको 2 degree में समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से होगा, तो आप एक बार मैकेनिज्म के हिसाब से 2 degree रख के देखो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, एक रिएक्शन आपका पॉसिबल ही नहीं होगा बच्चों। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, और ये अक्सर पूछा जाने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका एनिलिन में भी फिर से मैं बताऊंगा। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन पे, नेक्स्ट रिएक्शन हमारा क्या होगा, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट रिएक्शन हमारा क्या होगा बच्चों, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। तो अगला रिएक्शन देखते हैं, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। अब देखो ये बात, ये भी काफी अच्छा रिएक्शन है, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन किस तरीके से होगा बच्चों, काफी इजी है। देखो आर एन एच टू की रिएक्शन अगर मैंने किसके साथ करा दिया, सी एस टू के साथ, देखो तो यहां पर ये देखो, यहां पर ये एच को ऐसे रख लो, ये आपका यहां जाएगा, ये आपका यहां जाएगा, जैसे ही आपका यहां जाएगा तो आपका क्या बनेगा, ये वाला बॉन्ड आपका ऊपर खुलेगा, तो यहां पर एस सी एस, ठीक है, और यहां पर आपका क्या जाएगा, एन एच टू प्लस आर और इसके ऊपर माइनस। अब ये यहां से एक हाइड्रोजन उठ के यहां चला जाएगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा, एस डबल बॉन्ड सी एस एच और यहां पर एन एच आर, काफी इजी है। अब एक बार ध्यान से समझते हैं, इसके बाद इसकी रिएक्शन मैंने एच जी सी एल टू के साथ करा दिया, किसके साथ करा दिया बच्चों, एच जी सी एल टू के साथ। तो एच जी सी एल टू के साथ जब रिएक्शन करेगा तो यहां पर क्या बनेगा, ध्यान से समझना बच्चों,
यहां पर आपका क्या बनने वाला है, ठीक है। एक तो आपका HgS बनेगा जो कि आपका ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट होगा, ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट होगा, और साथ में आपका HCl बनेगा दो मोल। ये वाला H जाएगा, ये वाला H जाएगा, ये वाला H जाएगा, ये वाला H जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों किस तरीके से होगा? इसकी रिएक्शन HgCl2 के साथ करेंगे तो HgS बनेगा जो कि आपका क्या होगा बच्चों, ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट होगा। काफी इजी रिएक्शन है, एक दो बार अगर आप देखोगे तो आपको समझ में इजीली आ जाएगा, ठीक है। ये तो था आपका किसके किसके प्रेजेंस में बच्चों, 1 डिग्री अमाइन के प्रेजेंस में। 1 डिग्री अमाइन मतलब प्राइमरी अमाइन के लिए था रिएक्शन, ठीक है बच्चों। यहां पर आपका रिएक्शन 1 डिग्री अमाइन के लिए था, काफी इजी रिएक्शन था। नाउ अब यहां पर आपका क्या बनेगा उसकी बात कर लेते हैं। देखो R को ऐसा गया ऐसा लिखो, H गया, N लिख दिया, और यहां पर C लिख दिया, ठीक है, यहां पर C लिख दिया, अब यहां पर S भी गए, तो यहां पर आपका R N C, यहां पर आपका क्या बनेगा, R N C S बन जाएगा। इस टाइप का आपका कंपाउंड बन गया। किस टाइप का बन गया बच्चों, यहां पर आर एन सी एस टाइप का कंपाउंड बन गया। नाउ अब हम समझते हैं बच्चों, यहां पर अगर मैंने 2 डिग्री की बात कर ली तो 2 डिग्री में ये वाला रिएक्शन तो फिक्स है, ये आपका लोन पेयर बनके यहां टिक करेगा। नाउ अब आपका क्या बनेगा, एस डबल बॉन्ड सी, यहां पर एस माइनस, यहां पर आपका एन एच प्लस आर आर। अब ये हाइड्रोजन यहां चला जाएगा, ठीक है, अब हाइड्रोजन यहां चला जाएगा तो क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे, एस एच एन आर आर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जैसे ही इसकी रिएक्शन में एच जी सी एल टू के साथ कराऊंगा, किसके साथ कराऊंगा बच्चों, एच जी सी एल टू के साथ, तो आपका क्या बन जाएगा, यहां पर आपका नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, तो केवल और केवल कौन देगा, प्राइमरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन कैन नॉट गिव रिएक्शन, और टर्शरी अमाइड तो दे ही नहीं सकता ना, टर्शरी अमाइड में तो यही रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा बच्चों, क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन नहीं होगा ट्रांसफर करने के लिए टर्शरी अमाइड में। तो एक बार आप खुद करोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा मैकेनिज्म वाइज। चलो तो यहां पर अगर मैंने प्राइमरी अमाइन को CH2 और HgCl2 में डाला तो आपको क्या आ जाएगा बच्चों, ब्लैक प्रेसिपिटेट आ जाएगा। अगर ब्लैक प्रेसिपिटेट आ गया इसका मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर आपका क्या है, प्राइमरी अमाइन। काफी इजी रिएक्शन है। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉप एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सा बोलते हैं, कॉप एलिमिनेशन रिएक्शन। तो कॉप एलिमिनेशन रिएक्शन एक्चुअली आपका क्या होता है, ध्यान से समझना, यहां पर कॉप एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, कॉप एलिमिनेशन रिएक्शन आपका जनरली जनरली आपको यहां पर बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप आपका शो करेंगे। तो यहां पर आप, मैं यहां पर बोलता हूं अमाइन ऑक्साइड, अमाइन ऑक्साइड किसका लिए बच्चों, अमाइन ऑक्साइड के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि ये रिएक्शन होता क्या है, होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। तो देखते बच्चों, यहां पर जब मैंने CH3 यहां पर मैंने अमाइन बना दिया NH2, और यहां पर हाइड्रोजन, ठीक है, यहां पर इसको छोड़ो, यहां पर भी मैंने CH3 लिख दिया, यहां पर भी मैंने CH3 लिख दिया। नाउ इसको मैंने H2O2 और O3 के साथ रिएक्शन कराया तो ये सबसे पहले क्या बना लेगा, अब इसके पास लोन पेयर होगा। अब लोन पेयर आपको क्या करेगा बच्चों, परोक्साइड के ऑक्सीजन को देगा, पेरोक्साइड के किसको देगा बच्चों, ये आपके ऑक्सीजन को देगा, तो यहां पर आपके पेरोक्साइड के ऑक्सीजन को देगा, ठीक है। इस तरीके से आपका कंपाउंड बना लेगा अमाइन ऑक्साइड, इसको हम क्या बोलेंगे, अमाइन ऑक्साइड। तो अमाइन ऑक्साइड आपका कॉप इलिमिनेशन करता है। नाउ फर्दर इसको मैं हीट करूंगा तो आपका रिएक्शन क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अब आपका रिएक्शन क्या होगा जब मैं इसको हीट करूंगा, जब मैं इसको हीट करूंगा बेटा तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, और इसको क्या बोलेंगे, इंटरनल एलिमिनेशन रिएक्शन। अब ध्यान देना ये आपका किस टाइप का होता है बच्चों, सिन टाइप का। कौन से टाइप का होगा बच्चों, सिन टाइप का एलिमिनेशन होगा, मतलब दो हाइड्रोजन और एज वेल एज लिविंग ग्रुप दोनों एक ही पोजिशन से आपका निकल जाएगा, ठीक है, दोनों आपके एक ही साइड से निकलेंगे। देखो यहां से अगर आपका ये निकला तो यहां से सिमिलर साइड से आपका कौन निकल जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, CH3 CH2, और जो ये हाइड्रोजन निकला वो किसके पास चला जाएगा, इस बॉन्ड के पास चला जाएगा।
तो यहां पर क्या बन जाएगा, CH3 CH3, यहां पर N आ जाएगा और यहां पर OH, ठीक है। इस तरीके का आपको कंपाउंड बनेगा। देखो इसका एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं बच्चों, काफी इजी रिएक्शन है, एक एग्जांपल देखेंगे तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं एक एग्जांपल, ये मैंने एग्जांपल लिया, देखो यहां पर बेटा मैंने अमाइन ऑक्साइड पहले बना दिया है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। एन ओ इसको मैंने कौन से पे रखा, डैश 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 डैश, यहां पर CH3, यहां पर CH3, ये मैंने बना के दिया आपको। यहां पर मैंने डैश 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 हाइड्रोजन, वेज पर मैंने क्या रख दिया, CH3। अब अगर मैं हीट करूंगा तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा, बस इतना मैंने आपको क्या बोला था, जब भी आपको ऐसा कंपाउंड दिखा जाए इसको हम क्या बोलेंगे, कॉप एलिमिनेशन। इसलिए किसका एग्जांपल है बच्चों, कॉप एलिमिनेशन का, ठीक है। अक्सर नहीं पूछते बच्चों, कहां जहां जहां पूछेंगे मैं आपको बता दूंगा, ये अक्सर इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है लेकिन काफी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। तो यहां पर किस टाइप का होगा, सिन टाइप का एलिमिनेशन। देखो जब ये आपका डैश पर है, जब ये आपका डैश पर है तो यहां पर भी हाइड्रोजन आपका डैश पर है तो इसका एलिमिनेशन हो जाएगा। तो ये जब यहां से एलिमिनेट होगा तो ये यहां से एलिमिनेट होगा तो आपका क्या प्रोडक्ट बना लेगा बच्चों, यहां पर इस टाइप का प्रोडक्ट बना लेगा। इफ अगर इसके बावजूद देखते बच्चों, अगर इसके बाद मैंने ये कंपाउंड बना दिया तो कौन सा, ये वाला कंपाउंड, देखो ये आपका डैश पर है, एन ओ CH3 CH3, नाउ ये भी आपका डैश पर है, ठीक है, डैश पर नहीं, अब इसको मैं वेज पर कर देता हूं और ये आपका CH3 डैश पर है। अब आपका क्या होगा बच्चों, हीट करने पर सिन टाइप का होना चाहिए, तो यहां पर सिन पोजीशन पे मतलब सिमिलर साइड, मतलब ग्रुप के एक ही तरफ, मतलब ये डैश पर तो ये भी डैश पर होना चाहिए था हाइड्रोजन, तो यहां पर डैश पर हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, तो यहां डबल ना डबल बॉन्ड ना बन के आपका क्या बन जाएगा बच्चों, अब डबल बॉन्ड आपका कहां बनेगा, यहां पर दो हाइड्रोजन होंगे, एक तो वेज पर होगा और एक किस पर होगा बच्चों, डैश पर, तो ये कौन से वाले को निकाल लेगा, डैश वाले को निकालेगा और यहां पर इस टाइप का आपका प्रोडक्ट बनेगा। थोड़ा सा इस रिएक्शन को आप लोग ध्यान रखो, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। बस इस टाइप से हमने यहां पर आपका किसको कंप्लीट कर लिया बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन, ठीक है। इसमें एक और रिएक्शन हम बोल सकते हैं असाइलेशन, असाइलेशन ऑफ अमाइन्स, ठीक है, असाइलेशन ऑफ अमाइन बच्चों, ये तो आप लोग अच्छे से जानते हो, असाइलेशन ऑफ अमाइन। अमाइन का असाइलेशन हम किस तरीके से करेंगे, अमाइन का असाइलेशन देखो ये मैंने आपको बता रखा है, काफी सिंपल रिएक्शन है, बस नाम चेंज कर देते हैं बच्चों, बाकी तो काफी इजी है। देखो इसकी रिएक्शन मैंने अगर NH2R के साथ कराया तो यहां से ये आपका लोन पर यहां अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, RCO-Cl और यहां पर NH2+R, अब ये यहां जाएगा और यहां से ये जाएगा, तो इसके यहां से आपका कौन एलिमिनेट होगा बच्चों, हाइड्रोजन भी एलिमिनेट होगा, ठीक है। जैसे ही यहां से आपका हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा तो ये वाला बॉन्ड यहां खुलेगा तो आपका क्या बन जाएगा, RCONHR, तो इस तरीके से आपका अमाइड कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। कौन सा कंपाउंड बन जाएगा बच्चों, अमाइड कंपाउंड, और साथ में आपका कौन बाहर निकलेगा, HCl। इस तरीके से हम असाइलेशन करा सकते हैं। सिमिलर रिएक्शन आप मुझे इसके साथ लिख के बताना बच्चों, इसके साथ मैकेनिज्म के थ्रू आप सिमिलर रिएक्शन मुझे लिख के बताना, मैं आपको सिंपल लिखा देता हूँ, आप लोग इसका होमवर्क है कि आप लोगों को इसका मैकेनिज्म लिखना है, ठीक है, काफी इजी है, ठीक है बच्चों। अगर आप बच्चों आप लोगों ने मैकेनिज्म लिख के नहीं भेजा किसी ने तो सीरियसली मैं अब आपको सीरियसली स्ट्रिक्टली बोलता हूँ बच्चों कि मैं सीधा मैं वो प्रिंसिपल मैम को इन्फॉर्म कर करूंगा कि अगर आपने मैकेनिज्म लिख के मुझे नहीं भेजा, और जो जो बच्चे मुझे स्नैप नहीं भेज रहे हैं बच्चों उसके बारे में मैं स्ट्रिक्टली अब मैं एक्शन लूंगा बच्चों। थोड़ा सा इस चीज को स्ट्रिक्टली फॉलो करो कि सबको स्नैप भेजना जरूरी है, ठीक है। होमवर्क आप लोग नहीं करते इससे बच्चों आप लोगों का दिखता है कि आप कितना पढ़ रहे हो कितना नहीं पढ़ रहे हो। कुछ बच्चों का स्नैप बिना बोले आता है और कुछ बच्चों का स्नैप बोलकर भी नहीं आता, तो आई डोंट थिंक कि आप लोग इतने अच्छे बच्चे, इतने समझदार बच्चे हो कि आप लोग अपना काम किस तरीके से करना है आप लोग जानते हो, तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, और अगर किसी को समझ में नहीं आता तो हम लोग आपके साथ हैं, तो चिंता वाली कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आपको क्या बना लेगा, अमाइड बना लेगा और साथ में आपका यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा। तो ये ऐसा तो मैंने आपको किस में बताया था, हाइड्रोलाइसिस में।
तो आई होप कि आपको अब यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, काफी इजी रिएक्शन है। तो बच्चों अब हम वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट में इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल को डील करेंगे, ठीक है बच्चों? थैंक यू सो मच।